जयपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विद्या भारती पहुंचे हैं, जहां पर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, समारोह को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारा बच्चा उस दिशा में चल रहा है। मैं अपने माता पिता, शिक्षकों, पूरे विद्या भारती परिवार का जो नाम रोशन किया है, याद रखिए, ये सफलता तो महज एक शुरुआत है। आपको अपनी प्रतिभा को निखारते रहना, लगातार नई ऊंचाई छूना, ये आपके जहन में होना चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आपके शिक्षक को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप जैसे प्रतिभा को पहचानने और निखारने का काम कर रहे हैं। शिक्षकों का मार्गदर्शन विद्यार्थियों की सफलता पर अहम योगदान देता है। प्रतिभा हर किसी में होती है, लेकिन उसे निखारने का और अवसर देना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। देश के कोने कोने में शिक्षा का उजियारा फैलाने वाला विद्या भारती संस्थान इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है। यही वजह है कि यह संस्थान लगातार प्रगति कर रहा है। इसके आज भारत में पूरे देश के अंदर 12,000 से अधिक विद्यालय हैं, जिनमें लगभग 1,000 विद्यालय राजस्थान में भी है। मुझे यह जानकर खुशी है कि शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित विषयों के परीक्षा परिणामों के मामले में ये काफी आगे है। इतनी बड़ी संख्या में विद्यालय और विद्यार्थियों के परिणाम श्रेष्ठ बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए मैं विद्या भारती परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यहाँ के विद्यार्थियों ने विज्ञान, प्रशासन, कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि अनेक क्षेत्रों में नाम भी कमाया है। यहाँ से निकला हुआ विद्यार्थी आज सेना में भी देख लो, आप शिक्षा में भी देख लीजिए, चिकित्सा में भी देख लीजिए, सभी जगह विद्या भारती से निकला हुआ छात्र अपना हर क्षेत्र में नाम कर रहा है। विद्या भारती की सफलता का मूल मंत्र समर्पित शिक्षकों, अभिभावकों का सहयोग और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे प्रतिभावान छात्रों में निहित करना और उनको आगे लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप सभी ने कड़ी मेहनत, लगन, दृढ़ निश्चय का परिचय दिया है। यही कारण है कि आप आज इस मंच पर सम्मानित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान, उनकी प्रतिभा को मान्यता देने के साथ ही अन्य छात्रों को भी बहुत बड़ी प्रेरणा देने का काम करेगा। प्रतिभा का दायरा अत्यंत व्यापक है। संगीत, कला, साहित्य, नृत्य, खेलकूद, सामाजिक कार्यों में भागीदारी, नेतृत्व क्षमता आदि प्रतिभा के अनेक रूप होते हैं। यह सराहनीय है कि विद्या भारती के विद्यालय इन सभी क्षेत्रों को की प्रतिभा को खोजना और उन्हें निखारने का प्रयास करता है। ये विद्यालय आधुनिक युग में गुरुकुल की तरह है, जहां विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में भी शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं था। शिक्षा का लक्ष्य सर्वांगीण विकास था। शारीरिक शिक्षा, कलात्मक अभिव्यक्ति अपने विभिन्न